लब्बू बात नहीं करना भैया, बिल्कुल भी नहीं करना। एक माँ, एक बार ताली बजा दो, अब माहौल को बना दो। एक माँ छह छह बच्चों को तो पाल लेती है, पर धिक्कार है उन बच्चों पर, छह बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। आज की ये स्थिति है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात तो उस ईश्वर से भी टाली नहीं जाती कि बर्तन मांज कर छह बच्चों को पाल लेती है एक माँ, पर छह बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। छह बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। छह बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। एक माँ भरी जवानी में विधवा हो गई। राखी बिटिया सुनना, तब पूरी कहानी समझ आएगी। एक माँ भरी जवानी में विधवा हो गई, छोटी सी संतान पिता छोड़कर चला गया। माँ ने जैसे ही देखा उस पत्नी में कि मेरे पति नहीं रहे, पत्थर से सर को फोड़ने लगी, यदि स्वामी जीवित नहीं तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। लहू लुहान हो गई, खून से लथपथ हो गई। नन्ना सा बेटा साड़ी खींच खींच कर बेहाल हो रहा था, अचानक माँ की दृष्टि उस बेटे पर पड़ी। माँ को याद आया तब, ओ हो, यदि मैं भी मर गई तो इस बेटे का क्या होगा। उसे अपने स्वामी की वो बात याद आ गई। कौन सी? जब वह बेटा, वह लड़का पेट में था माँ के, ऐसे ही पति पत्नी आपस में चर्चा कर रहे थे। पति कह रहा था, यदि तुझसे लड़का जन्मा ना, यदि लड़का हुआ तो मैं अपने बेटे को कलेक्टर बनाऊंगा। और पत्नी बोली, स्वामी यदि बेटी हुई तो मैं अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाऊंगी। दोनों में ये बात चल रही थी, पर संयोग देखो, विधि का विधान देखो, पति छोड़कर चला गया एक्सीडेंट में। इधर पत्नी ने सोचा, कोई बात नहीं स्वामी, मैं आपके सपने को पूरा करूंगी, मैं बनाऊंगी अपने बेटे को कलेक्टर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कसम से घर घर बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा का काम करती, रात भर सिलाई कर करके पैसे इकट्ठे करती, और वो पैसे इकट्ठे किए अपने बेटे की पढ़ाई में लगाती जाती, बेटे को उच्च तालीम देती जाती। पढ़ रहा था बेटा, बस एक गलती माँ ने कर दी, सब कुछ अच्छा किया, जो गलती आजकल हम भी कर रहे हैं। क्या गलती की? माँ ने कभी नहीं कहा कि बेटा तू जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक करने चला जा, तू भगवान की पूजा कर ले, तू मुनि राजों के प्रवचन सुन ले, उनके चरणों का बखार कर ले, ये कभी नहीं कहा। बस क्या कहा? तू तो पढ़, तुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ना, तुझे कलेक्टर बनना, तुझे तो विदेश जाना। और साहब पढ़ाई 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 में कैसे क्या हुआ, आइए हम कविता के माध्यम से आपको सुनाते हैं। मात्र 4 मिनट की कविता, जल्दी जल्दी आपको सुना देते हैं। विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, सुखवती नाम था थी गांव की नारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसके दिया भगवान ने बच्चा, बड़ा कलेजे के उसे अत्यंत प्यारा था, वही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, भूख से रहती बचा के लाल को रखती, उठकर सुबह बेटे को वह आशीष देती थी, भावनाएं देखकर वह गीत देती थी, सोचती थी पुत्र वह पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची राधा सत्य कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की साधना सच्ची राधा सत्य कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी लड़के को, मंजिल उसे जब मिल गई शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मेम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने सारे कष्ट बेटा भूल बैठा था। पत्नी के रूप में रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने सारे कष्ट भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से छेड़ती कैसे, आधुनिक बहु बूढ़ी सास को झेलती कैसे, लड़की बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, ठोकर निकलती थी हमेशा डांटती रहती, चैन बत्ती बुझ गई थी रोज का झगड़ा, नित नई नई बात पर होने लगा झगड़ा,
क्रोध में एक दिन पत्नी पति से बोली, जी हमारा बुढ़िया से भर चुका बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला या नेक रहेगी, घर में बुढ़िया रहेगी या फिर बहू एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर ओठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में, शरीर में ना दम रहा ना फुर्ती में चाल में, वह जाकर झाड़ू पोछा की नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। देखो तो तकदीर उस माँ की, कलेक्टर की माँ, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। आइए उस बूढ़ी माँ को झाड़ू पोछा की नौकरी करते हम छोड़ देते हैं अस्पताल में, चलते हैं कलेक्टर बेटा बहू के घर। कलेक्टर बेटा बहू दोनों बड़े प्यार से जीते, कलेक्टर बेटा बहू दोनों बड़े प्यार से जीते। 2 साल भी नहीं उनको अच्छी तरह बीते, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला। बेटा कलेक्टर बीमार हो उसी अस्पताल आया, बदन का रंग था पीला, देखकर दूर से हैरान दंग थी, बाजुए थामे खड़ी बीबी भी संग थी। विधि का विधान है तभी माँ का हृदय बोला, जांच कलेक्टर लड़के की हुई तो डॉक्टर बोला, लगता है ये साहब रोज ही पीते शराब है, इनकी दवा होगी नहीं दोनों गुर्दे खराब है। लगता है ये कलेक्टर साहब रोज ही पीते शराब है, इनकी दवा होगी नहीं दोनों गुर्दे खराब है। मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, ठीक होंगे कलेक्टर साहब जो इन्हें गुर्दे का दान दे। और डॉक्टर पत्नी से बोला, पते हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैंने बोली, लाख क्या खतरा भरा डर है, ये जिए हम जिए हक तो बराबर है, मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे विश्वास क्या है ये निश्चय ठीक हो ही जाएंगे। झेलना है जो हलक सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा, मैं बड़े घर की बेटी ऐसा कर नहीं सकती, ये साहब मरे तो मरे मैं मर नहीं सकती। मैं बड़े घर की बेटी ऐसा कर नहीं सकती, ये कलेक्टर साहब मरे तो मरे मैं मर नहीं सकती, मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में। माँ सुन रही थी खड़ी पर्दे की आड़ में, माँ सुन रही थी खड़ी पर्दे की आड़ में, डॉक्टर को कर इशारा ले गई अंदर, भावनाओं का माँ के अंदर उमड़ा एक समुंदर, डॉक्टर के पैर छू रोती हुई बोली, बचा लीजिए डॉक्टर साहब बचा लीजिए, ये जो मरीज है इसे बचा लीजिए। डॉक्टर को कर इशारा ले गई अंदर, भावनाओं का माँ के अंदर उमड़ा एक समुंदर, डॉक्टर के पैर छू रोती हुई बोली, आंसुओं को पोंछ कर फैला रही झोली, एहसान मानूंगी बड़ा तुम देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही दोनों गुर्दे निकाल लो, मैं खुशी से दे रही दोनों गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने माँ से ऐसे लगा, लिए लड़का रिश्ते में कौन था, गैर कोई इस तरह मर नहीं सकता, अगर ये अंगली पंती कटाक से दिल को छू जाए, लग जाए, सच्चाई बयां हो जाए, तो उस माँ के सम्मान में ताली बजा देना। अगली पंक्ति, डॉक्टर को कर इशारा ले गई अंदर, भावनाओं का माँ के अंदर उमड़ा एक समुद्र, डॉक्टर के पैर चुरोती हुई बोली, आंसुओं को पहुंच कर फैला रही झोली, एहसान मानूंगी बड़ा तुम देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही दोनों गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा, लड़का रिश्ते में कौन था, गैर कोई इस तरह मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। गैर पराया कोई इस तरह मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय माँ तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने तभी किस्सा पुराना कह सुनाया था, कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, बताना मत मेरे बेटे को राज ही रखना। दोनों गुर्दे दिए माँ ने हंसकर वेदना मोल झेली थी, जिंदगी माँ ने बेटे को देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक कलेक्टर लड़का हो गया, डॉक्टर से बोला यूं,
ठीक लड़का हो गया, डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया, बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा, यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला था, धक्का लगा तुमने जिसे घर से निकाला था। यह काम है उसका जिसने तुझे बचपन से पाला था, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला था, क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे सो जिंदगी देकर, रातों की नींद खोई थी दिन का चैन खोया था, आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी, कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ बाप के बिना बेटा उद्धार हो नहीं सकता, माँ बाप के बिना पुत्र का उद्धार हो नहीं सकता। अंतिम चार पंक्तियां, बरसे बसंती हो गई हर दिन दिवाली है, माँ बाप रूपी दौलत जिसे मिल गई वह सौभाग्यशाली है, जिंदगी आधी अधूरी दीनमयी है, मर गए जिसके माँ बाप वह मुकद्दर हीनमयी है, माँ बाप जगत में स्वर्गीय खंभ है, पूजा करो माँ बाप की यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो माँ बाप की यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो माँ बाप की यही साक्षात ब्रह्म। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आइए हम नाटक की ओर चलते हैं।